Okay, students, do you have any doubt regarding the nouns which we discussed in the previous lecture? अगर किसी भी बच्चे को जो हमने नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था, टेंसेस का टॉपिक किया है, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द नाउन. Yes, students, do you have any doubts? Okay, now let's start with the noun. In the previous lecture, we discussed about the nouns, the types of noun. The first type was proper noun, common noun, abstract noun, material noun, and collective noun. What was proper noun and common noun? When we talk about general things, it is called common noun. But when we specify or when we particularize anything, it become proper noun. जब हम किन्हीं जनरल चीजों की बात करते हैं तो वो हमारी क्या रहती है, कॉमन नाउन. और जब उन जनरल चीजों को पर्टिकुलर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी प्रॉपर नाउन. जैसे हमने बोला था, अगर हमने गर्ल की बात की है तो गर्ल इज अ प्रॉपर नाउन. अगर उसमें किसी भी लड़की का नाम लिख दिया है, व्हेन वी राइट द नेम ऑफ दैट गर्ल, इट बिकम्स प्रॉपर नाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नल थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स, इट बिकम्स कॉमन नाउन. वेन वी पर्टिकुलराइज दैट थिंग, इट बिकम्स प्रॉपर नाउन. आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वट वॉज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील. जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड आई ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी, लव इमोशंस, लव हेट, एंगर, दीज ऑल आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नेक्स्ट वन वॉज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. जिन भी चीजों से आगे चीजें बनती हैं, वो सारी क्या होती हैं, हमारी मटेरियल नाउन. जैसे कि हमने बोला था, हमारी सारी मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये आ जाती हैं. वुड, कॉटन, रबर, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स. एंड द लास्ट वन वाज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, आई डिस्कस अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इट बिकम्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, it becomes collective noun, right? All these things we discussed in the previous lecture. Now we will move towards the rules. We will move towards the rules of noun. Okay, if I talk about the collective noun as cast, cast means the actors in a certain movie or play, it becomes cast. So cast is a collective noun. Company, a group of actors that usually perform together. Crew, the working members on a ship. All these are collective nouns. Okay, collective nouns, group of persons. Next one is collective noun, group of animals and insects. All these are collective nouns. And the next one is group of things. All these are collective nouns. Okay. Group of anything, it may be any person, place, thing or animal, it becomes collective noun. Okay, students. Next one is rules of collective, rules of noun. Ab nouns ke rule ka benefit kya hai? It will help in our error spotting. It will help in our error spotting. जब हमें error spotting के questions आते हैं, तो error spotting के questions में noun, pronoun
एंड वर्ब ये हमारे क्या रहते हैं, मेजर टॉपिक्स रहते हैं. द मेजर टॉपिक्स ऑफ एरर फाइंडिंग्स आर नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब. नाउ वी विल डिस्कस विद द फर्स्ट टॉपिक, नाउन, रूल्स ऑफ नाउन. इन रूल्स ऑफ नाउन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अपोस्ट्रॉफी एस. इन रूल्स ऑफ नाउन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अपोस्ट्रॉफी एस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस, हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट अपोस्ट्रॉफी एस, व्हेन वी हैव टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग और समवन. व्हेन वी हैव टू शो अबाउट पोजेशन ऑफ समवन और समथिंग, जब हमें किसी चीज की पोजेशन बतानी है कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस का. If I talk about Deepika's cousin is my friend, in this I put apostrophe s with Deepika because cousin is the possession of Deepika. इसमें cousin किसकी है, Deepika की, तो ये possession किसकी हुई, Deepika की, इसलिए हमने apostrophe s Deepika के साथ लगाया. So it becomes possession of Deepika. When we have to show possession of someone or something, it becomes, then we use apostrophe s. Okay students, if I talk about non-living things, जब हम non-living things की बात करेंगे, we will not use apostrophe s. We will use of instead of apostrophe s. जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, उस केस में हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज ना करके उसकी जगह हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे. इफ आई टेक एग्जाम्पल, टेबल्स legs are broken. In this table is a non-living thing, and as I mentioned earlier, we will not use apostrophe s with the non-living thing. So in this case, we will use of. Then the sentence will become, legs of table are broken. तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज, वी विल नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द टू नाउन्स टुगेदर. इफ आई टॉक अबाउट दीपिकाज mother's friend, in this case both the nouns have apostrophe s. We will not use apostrophe s with both the nouns together. In this case we will use of with the first noun and apostrophe s with the second noun. Then the sentence will become, friend of Deepika's mother. So it is the right sentence. Done guys? Okay. Next one is from where the rules start. First is, you can write it down. If a noun is singular, and does not end with s, then we will use apostrophe as well as s. कहते जिस केस में हमारी नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन, और वो नाउन हमारी s के साथ एंड नहीं होती हो, उस केस में हम अपोस्ट्रॉफी और एस दोनों चीजों का यूज करेंगे.
when the noun is singular which does not end with s, in that case we will use the sign of apostrophe as well as s. If I take example, girl is a singular noun and we will put apostrophe as well as s. We can take any name as Ram, Deepika, teacher, student, teacher, student, boy. In this case, all the nouns are singular which does not end with s. In that case, we will put apostrophe as well as s. Done, students? If I take example, this girl's room is messy. अब ये room किसका है? एक girl का है. Then we put girl with apostrophe s. Okay, students? In this case, girl is singular and the room is possession of girl. So, in that case, we put apostrophe as well as s.